इस पर युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें महल से बाहरी गले लगाना चाहता था। फिर से मुझे पता चला कि तुम्हारे होने वाले दामाद हिमेर पर कत्ल का इल्जाम लगा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम इस चीज के लिए ज्यादा परेशान मत होना, जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तब बरनास ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। तब युवराज ने आगे कहा, मुझे दरोगा से पूछताछ में पता चला कि तुम्हारी हवेली पर भी पूछताछ के लिए सैनिक आए थे। तब बरनास ने कहा, जी युवराज, मुझे इस बात को जानकर बड़ी हैरानी हुई कि हिमेर को इस तरह से तलाश किया जा रहा है। बरनास की हैरानी पर युवराज के होंठ मुड़ गए और फिर उसने पूछा, हाँ तुमने सही सुना, क्या तुमने हिमेर को कहीं ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसके सवाल पर बरनास ने तुरंत कहा, मैंने अपने आदमियों को भी हिमेर की तलाश में भेजा था, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिला। अगले ही पल बरनास ने उतावलापन दिखाते हुए कहा, दरअसल मुझे इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि हिमेर किसी का कत्ल भी कर सकता है। मेरा मानना था कि वो एक भोला भाला इंसान है, आखिर नाना को उसने क्यों मारा होगा। इतना कहते हुए बरनास ने थकी हुई आंख भरी और नाखुश होते हुए अपना सिर हिलाया। बरनास की इस बात पर सहमति जताते हुए युवराज ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था कि अगर हिमेर नाना का कत्ल क्यों करेगा, जब यह खबर किरण ने सुनी होगी तो उसका दिल टूट गया होगा। युवराज जानता था कि किरण हिमेर को बहुत पसंद करती थी, जिसका जिक्र किरण ने युवराज के सामने सनाया की दावत में किया था। अपनी बेटी के दिल का हाल बयान करते हुए बरनास ने कहा, जी युवराज बहुत ही परेशान है और उसने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया है। इस पर युवराज ने भी हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। वहीं बरनास ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, क्या दारोगा को किसी भी तरह की किसी ऐसी चीज का पता चला जिससे कि हिमेर पर शक ज्यादा हो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? इस पर युवराज ने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा। बरनास ने अनजान बनने का नाटक करते हुए आगे कहा, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि हिमेर किसी और लड़की को भी पसंद करता होगा, क्या मतलब है कि वो एक इंसान था। बरनास युवराज यमन के सामने इस तरह से बातें बना रहा था जैसे कि उसे मालूम ही नहीं था कि बीती रात क्या हुआ, जबकि इस पूरी साजिश को वो खुद ही अंजाम दे रहा था। उसकी बात पर युवराज ने कहा, नहीं अभी तक तो इस बारे में दारोगा के हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लगा जिससे कि पता चल पाए कि हिमेर ने ऐसा किया है तो क्यों किया है। फिलहाल दारोगा कमर सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। इतना कहते हुए युवराज ने एक नजर दारोगा की तरफ देखा जो कि वहीं पर खड़ा था। जैसे ही दारोगा को इस बात का एहसास हुआ कि युवराज की नजरें उसे ही देख रही हैं, तो उसने अपनी नाकामयाबी के चलते शर्मिंदगी से अपना सिर झुका दिया। युवराज से इतनी बातें करने के बाद अब बरनास के जहन में जो चीज चल रही थी वो ये थी कि इस सिलसिले में कौन तहकीकात कर रहा होगा। इस बारे में भी अभी उसे पता चल चुका था। बरनास बड़े ही शातिर ढंग से एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ एक तरफ वो अपनी बेटी किरण को उसके हाथों हुई नायला की हत्या के जुर्म से बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो इस कत्ल के कातिल के तौर पर सबके सामने हिमेर को पेश कर रहा था, जिससे अगर हिमेर कातिल साबित हो जाता है तो उसके रास्ते का कांटा खुद ब खुद ही साफ हो जाएगा और फिर उसे अपनी बेटी किरण की शादी एक अदने से दर्जी से नहीं करनी पड़ेगी। अगर यह कत्ल किसी आम इंसान का होता तो उसे छुपाना आसान होता, लेकिन मामला शाही खानदान से जुड़ा हुआ था। नायला कोई आम इंसान नहीं बल्कि दारपुर साम्राज्य की देवगढ़ की एक सामंत की बेटी थी, और अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह से इस वक्त नगर में हालात थे जहां लोग गुमशुदा हो रहे थे, तो ऐसे मामलों में सबके सामने मुश्किल हालात ही पैदा हो रहे थे। ऐसे मामलों से सबके सामने मुश्किल हालात ही पैदा हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उच्च सदन की नजर हमेशा ऐसे मामलों पर बनी रहती थी। उच्च सदन वो था जिन्होंने इस दुनिया के लिए कायदे कानून बनाए थे। अगले ही पल युवराज ने बरनास से सपाट लहजे में पूछा, मैंने सुना है कि किरण नायला को जानते थे, वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, है ना? इतना कहते वक्त युवराज बरनास की आंखों में गौर से देख रहा था। इस बात को सुनकर बरनास एक पल के लिए सबक आ गए और उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा, जी युवराज, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। तब युवराज ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं सोच रहा था कि किरण को अपनी दोस्त नायला की आत्मा की शांति के लिए कम से कम एक बार यहाँ पर आ जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है ना कि ये मृत्यु स्मारक हिमेर के लिए बनवाया जा रहा है। इस वक्त युवराज के चेहरे पर वही फीकी मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन उसके सवाल पूछने के अंदाज से बरनास एक पल के लिए सब पका गया। इस कत्ल के लिए युवराज उसकी बेटी किरण पर शक कर रहा था। बरनास को हैरानी में देखकर युवराज ने उससे आगे पूछा, वैसे हमारे यहाँ के जंगलों के कुछ खास प्यारे जानवरों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उधर दूसरी तरफ महल में राजकुमारी मेरे साथ अपने शाही कमरे में आराम कर रही थी। लोगों ने मन ही मन उसके बारे में सोचा, क्या राजकुमारी मेरे साथ ठीक है, क्योंकि वो सुबह भोजन कक्ष में नाश्ता करने नहीं आई और आज वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। जहाँ रोहित मेरेसा की फिक्र कर रही थी, तभी उसके कान में अपनी माँ की आवाज पहुंची। धरसी क्या चाहता था? रोहित, जिसका कहीं और ध्यान था, उसने अपनी माँ की तरफ देखा। उनके साथ में उसकी बहन विभा भी बैठी हुई थी, जो कि रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस बारे में बात करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि हिमेर ऐसा कुछ किया भी था या फिर नहीं। रोहित ने अपनी माँ के सवाल का जवाब दिया, नगर में किसी की लाश मिली है, वो भी हिमेर के घर में, वहाँ लाश को दफन करने की कोशिश की गई थी। उसके मुंह से इस खबर को सुनकर उसकी माँ और विभा दोनों चौंक गए और उनकी आंखें बड़ी हो गई। रोहित की माँ एक पल के लिए सन्नाटे में चली गई। अगले पल उन्होंने रोहित से पूछा, ये सब कुछ कैसे हुआ? तब रोहित ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो लोग अभी इस बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ये सब कुछ कैसे हुआ होगा? नगर में हुए नायला के कत्ल की तहकीकात अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन विभा रोहित के मुंह से सिर्फ इतनी सी बात सुनकर ही फैसले पर पहुंच गई थी। विभा ने सपाट लहजे में कहा, कौन सोच सकता है कि हिमेर ऐसा भी कर सकता है? उसके इतना कहते ही रोहित ने उसकी तरफ अपनी नजर की, तभी विभा ने आगे कहा, तुम्हें इस तरह के लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शरीफ बनने का दिखावा भी करते हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही निकलते हैं। विभा की पूरी बात सुनकर रोहित पूरी तरह से दंग रह गए और फिर उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हिमेर ने किसी का कत्ल किया होगा, किसी के घर के आसपास लाश मिल जाने से उसे कातिल नहीं ठहराया जा सकता। रोहित की बातों में विभा के लिए नाराजगी झलक गई थी। रोहित की बातों को सुनकर विभा के मुंह से हंसी छूट गई और उसने अपनी उसी हंसी को बरकरार रखते हुए कहा, तुम्हें वाकई में जरा सतर्क रहने की जरूरत है रोहित, तुम अपने मन में चल रही बातों को इस तरह से किसी के सामने बयान नहीं कर सकती। अब तुम्हें साम्राज्य की एक रानी बनने जा रही हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें कहां पर कब और कितना बोलना है। रोहित अभी भी उसे नाराजगी से देख रही थी, लेकिन विभा के चेहरे की हंसी रुकती हुई नजर नहीं आ रही थी। विभा ने अपनी बातों को आगे जारी रखा, तुम जिस तरह से बात करती हो उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल तुम रानी बनने के लिए तैयार हो, वैसे युवराज यमन का उस कत्ल के बारे में क्या कहना है? अपनी बात को खत्म करते वक्त विभा ने अपनी हंसी पर काबू पा लिया। तब रोहित ने सपाट लहजे में विभा को उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। रोहित ने अपने दिमाग में कहा, युवराज यमन ने कहा है कि वो मामी को खुद देखेंगे, और हाँ, कोई भी रानी बनने के लिए पैदा नहीं होता, किस्मत उसे वहां तक ले जाती है। वो विभा को उसके सवाल का जवाब दे रही थी, जिसमें विभा ने रोहित की रानी बनने पर ही सवाल उठा दिए थे। रोहित ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए आगे कहा, अगर मैं किसी मुद्दे के बारे में नहीं भी जानती हूँ और फिर भी अगर मैं एक रानी होने के नाते उस मुद्दे के बारे में कुछ बोल भी देती हूँ तो वो बात पूरी नगर की जनता तक पहुंचेगी। विभा अपनी बहन की बातों में उसके लिए बेरोही को समझ पा रही थी। रोहित ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, विभा
हमें इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं रानी बनने लायक हूँ या फिर नहीं। आपके साथ साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। अपनी बात खत्म करते हुए जब रोहिणी ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर विभा के चेहरे की तरफ देखा तो उसने गौर किया कि अब विभा के चेहरे की हंसी हवा में कहीं गायब हो चुकी है। उसका चेहरा अब संजीदा नजर आ रहा था। वो दोनों बहनें सगी बहनें थी जो कि बचपन से अब तक एक साथ बड़ी, फिर भी वो दोनों अलग अलग थी। रोहिणी इस बात को शुरू से ही जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग थी। रोहिणी बचपन से ही विभा के मुंह से इस तरह के तानों को सुनती आई थी, लेकिन अब वो वक्त नहीं था जब वो उसके इस तरह के तानों को आगे भी सुनती आई। अगर विभा ने तो कहा था कि उसे एक रानी की तरह बातें करनी चाहिए, तो फिर एक रानी किसी का ताना कैसे सुन सकती थी, फिर चाहे वो उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। वो अपनी बहन को प्यार करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो उम्र भर उसके ताने सहती रहे। रोहिणी ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हें मेरी बातों से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं ऐसी हूँ। रोहिणी ने फिर से विभा के सामने एक मुस्कान पेश की और फिर उसे दोबारा युवराज की कही हुई बातें याद दिलाई। युवराज ने मुझे बताया है कि वो खुद कत्ल के उस मामले को देखेंगे। विभा और रोहिणी की बातों से कमरे का माहौल गर्मा चुका था। तब उन दोनों को थोड़ा शांत करने के इरादे से उनकी माँ ने अपनी बात रखी। रोहिणी की माँ ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा, तुम दोनों बहनें। इतना कहते हुए उन्होंने अपने चेहरे को कमरे के दरवाजे की तरफ किया और दोनों को सतर्क किया। हो सकता है कि कोई यहाँ से गुजरते वक्त हमारी बातें सुने, इसलिए हमें सतर्क होकर धीरे बात करने की जरूरत है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, विभा सही बोल रही है रोहिणी, तुम्हें इस तरह से अपने दिल की बात को सबके सामने खोलकर नहीं रखना चाहिए, अब तुम्हें थोड़ी होशियारी से बात करने की जरूरत है। युवराज तुम्हारी बात इसलिए सुनेगा क्योंकि तुम अभी उसके साथ हो। अगर तुमने अपनी बातों के जरिए युवराज के सामने ये जाहिर कर दिया कि उसके होते हुए तुम किसी और इंसान का पक्ष ले रही हो, उसकी तरफदारी कर रही हो, तो फिर वो क्या करेगा, कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो यमन है, युवराज यमन। रोहिणी ने एक नजर अपनी माँ और विभा की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें कुछ गलत है, मैं फिलहाल सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हमें गुनहगार है। इतना कहते हुए उसने अपनी जुबान को होंठों पर फेरा और फिर आगे कहा, और मुझे ऐसा भी लगता है कि युवराज यमन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं चीजों को किस नजरिए से देखती हूँ, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोहिणी ने हेमंत को लेकर जो बात कही थी उस पर सहमति जताते हुए उसकी माँ ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा कि तुम चाहती हो कि जो असली गुनहगार हो उसे सजा मिले, लेकिन फिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि एक लड़की का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को हेमंत के घर में दफन करेगा। रोहिणी के पास अपनी माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो उम्मीद कर रही थी कि युवराज यमन जरूर इस कत्ल के मामले में कुछ न कुछ पता लगा लेगा। साथ ही साथ रोहिणी के जहन में ये भी चल रहा था कि क्या युवराज हेमंत को छोड़ देगा, क्योंकि अब हेमंत में उसके लिए वो दीवानगी नहीं थी जो कि युवराज के आने से पहले उसमें नजर आती थी। रोहिणी को हेमंत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब रोहिणी अपनी सोच में डूबी हुई थी तब विभा अचानक से अपनी माँ और उसे दोनों को उस कमरे में छोड़कर खुद वहां से बाहर निकल गई। जब रोहिणी की नजर कमरे से बाहर जाती हुई विभा पर गई तब उसकी माँ ने अपने हाथ को उसके हाथ पर रखा और कहा, तुम विभा की बातों का बुरा मत मानो, और फिर एक आह भरते हुए कहा, वो इसलिए भी कभी कभी इस तरह का बर्ताव कर जाती है क्योंकि वो अपने आप को एक रानी के रूप में देखती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तभी रोहिणी ने तुरंत कहा, माँ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। रोहिणी ने जब अपनी माँ से एक सवाल पूछने की जिद की तो इस पर उसकी माँ ने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहिणी बेटा, तुम मुझसे जो भी पूछना चाहती हो झिझक पूछ सकती हो। इतना कहते हुए उसकी माँ का दिल अपनी बेटी के सवाल को सुनने का इंतजार कर रहा था। तब रोहिणी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, जब बीती रात विभा में एक ही कमरे में थे तब हम दोनों अपने बचपन से जो यादों को ताजा कर रहे थे, उस वक्त हम दादा दादी के घर पर खेला करते थे। रोहिणी की माँ उसकी बातों को गौर से सुन रही थी, तब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आ रही थी। तभी रोहिणी अपनी बात को पूरा करते हुए उनसे पूछा, जब विभा में बचपन में दादा दादी के घर पर खेलते थे तो वहाँ पर एक लड़का भी हमारे साथ खेलने के लिए आया करता था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। रोहिणी के सवाल को सुनकर उसकी माँ के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने अपनी आंख को रोहिणी के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार किया और फिर अगले ही पल उसे जवाब देते हुए पूछा, कौन सा लड़का। तब रोहिणी ने अपनी माँ को इस बारे में थोड़ा और बताते हुए कहा, माँ ये तब की बात है जब विभा में छोटे थे, बचपन में दादा दादी के यहाँ पर जब हम दोनों जाया करते थे तब वहाँ पर एक छोटा लड़का भी हमारे साथ खेलने आता था, क्या वो अभी भी नगर पे रहता है। इस बार रूही की माँ उसके सवाल पर मुस्कुरा दी और फिर उन्होंने कहा, रूही इसके बारे में मतलब मुझे कैसे पता चल सकता है क्या वो नगर में रहता है या फिर नहीं, जब तुम दोनों छोटे थे तब हम तुम्हें अपने दादा दादी के घर पर कुछ वक्त गुजारने के लिए भेज दिया करते थे, वो तुम्हारी बचपन की बात है और अब तो इस बात को इतने साल बीत चुके हैं, मगर फिर भी अगर तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए तो तुम इस बारे में एक बार अपने दादा दादी से पूछ सकती हो सकता है कि वो तुम्हारी इस मामले में कोई मदद कर पाए। तभी रूही ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, मैं और बाप दादा दादी के साथ बचपन में काफी वक्त बिताते थे है ना माँ, लेकिन आप और पिताजी हमारे साथ वहाँ पर क्यों नहीं आते थे, मुझे लगता है कि सिर्फ मैंने और विभानी उनके साथ ज्यादा वक्त बिताया है ना। अपना सवाल पूछते वक्त रोहिणी ने इस बात पर गौर किया, जब वो अपनी माँ से बचपन के बारे में बात कर रही थी तब उसकी माँ थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी और उसके सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही थी। बीते कुछ दिनों में विभा और उसकी माँ दोनों ने उसके बचपन से जुड़ी किसी भी चीज का जिक्र उसके सामने नहीं किया था। तभी रोहिणी के कानों में अपनी माँ की आवाज गूंजी, हाँ तुम और विभा दोनों अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते थे, ये कैसा अजीब सवाल था, और वो भी तुम दोनों को बहुत पसंद करते हैं। इतना कहते हुए उन्होंने अपने पास में स्टूल पर रखी चाय की केतली को उठाई और दो प्यालों में चाय डालने लगी। इस बार रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं। रोहिणी ने अपनी माँ की बातों पर सहमति जताई और फिर आगे पूछा, जहाँ तक मुझे याद है मेरे ख्याल से हम दोनों बहनों ने अपने नाना नानी यानी कि आपके माता पिता के साथ बचपन में ज्यादा वक्त नहीं बिताया है ना। रोहिणी को ऐसा महसूस होने लगा था कि अगर वो सीधे अपने सवालों का जवाब जानना चाहेगी तो इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने दूसरे तरीके से अपने सवाल का जवाब पाना चाहा। रोहिणी की बात पर उसकी माँ ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया, तब रोहिणी को एहसास होने लगा कि जिस तरह से उसकी माँ सवालों को टाल रही है उसने जो सपना देखा था उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर छिपी हुई है। यही सब सोचते हुए रोहिणी ने अपने गाल के अंदर वाले हिस्से को काट लिया। अगले ही पल रोहिणी की माँ ने मुद्दे को बदलते हुए उसे पूछा, शादी के लहंगे का काम कहाँ तक पहुँचा, मुझे लगता है कि हेमंत लहंगे को सिलकर जल्दी से पूरा कर देगा। उनके इतना कहते ही रोहिणी भी लहंगे के बारे में सोचने लगी और उसने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि युवराज उस कत्ल की गुत्थी को जल्दी सुलझा देंगे और फिर हेमंत को अपना काम खत्म करने में वक्त नहीं लगेगा। इस बात को सुनकर रोहिणी की माँ ने एक हल्की सी मुस्कान पेश की। अगले ही पल उन्होंने रोहिणी को समझाते हुए कहा, रोहिणी मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए नया नया है, लेकिन अब तुम्हें संभल कर बात करने की जरूरत है, खासकर तब जब तुम किसी मर्द से बात करो, कई बार तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि वो तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं,
अगर इस बीच तुम ऐसी कोई गलती मत कर बैठना कि तुम्हारी बातें उन्हीं के खिलाफ हो। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। हर चीज के बारे में सोचने का रूही का अपना एक अलग ही नजरिया था। उसने अपनी माँ की बात पर हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाकर और उनकी बात पर अपनी सहमति जताई। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है बेटा। और फिर अगले ही पल अपने हाथों से एक चाय का प्याला रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो चाय पियो। इस पर रूही ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ आप पीजिए, मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। इतना कहते हुए अपने चेहरे की उसी मुस्कान के साथ रूही अपनी माँ की ओर थोड़ा सा झुकी और उनके गाल को चूम लिया। अगले ही पल रूही ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, माँ मैं राजकुमारी मेलिसा से मिलना चाहती हूँ। हो सकता है कि उन्हें मेरी यहाँ पे किसी चीज की जरूरत हो। आपको यहाँ पर अकेले रहने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी, है ना? इस पर उन्होंने भी अपनी जगह से उठकर कहा, नहीं तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी आने वाले, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उनके इतना कहते ही रूही ने अपने कदमों को उस कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा दिया और रूही की माँ वहीं पर खड़े होकर उसे कमरे से बाहर देखने लगी। उसे कमरे से बाहर निकलते देखने लगी। हालांकि इस वक्त उनके चेहरे की मुस्कान फीकी हो गई थी। जैसे ही रूही कमरे से बाहर गई, दासी कमरे के अंदर आई और फिर रूही की माँ ने उसे कहा, रूही के पिताजी को अंदर भेज दो। इस पर दासी ने हाँ के इशारे में अपना सिर झुकाया और फिर वहां से चली गई। कुछ ही देर में दामोदर दास कमरे के दरवाजे पर आ गए। उन्होंने कमरे के अंदर अपने कदमों को बढ़ाते हुए अपनी बीवी से पूछा, विभा और रूही कहाँ है? इस पर रूही की माँ ने अपने हाथ में मौजूद चाय के प्याले को स्टूल पर रखते हुए कहा, वो दोनों बाकी मेहमानों से मिलने के लिए अभी बाहर निकले। जब एक बार दामोदर दास जी अपनी बीवी के पास आकर बैठे, तब रूही की माँ ने कहा, वो मुझसे कई तरह के सवाल पूछ रही थी। कौन? रूही। इस पर दामोदर दास जी की एक बार के लिए आंखें से गुड़कर छोटी हो गई। तब रूही की माँ ने आगे बताया, रूही मुझसे उस लड़के के बारे में पूछ रही थी जिसके साथ वो और विभा बचपन में खेला करते थे। विभा जब बीती रात रूही के कमरे में सोने गई, तब उन दोनों बहनों के बीच में उनके बचपन को लेकर कुछ बातें हुई थी। रूही की माँ के माथे पर परेशानी की शिकन साफ साफ नजर आ रही थी। उन्होंने आगे कहा, आज से पहले मुझसे रूही ने कभी भी अपने बचपन से जुड़े इस तरह के सवाल नहीं पूछे थे। इस बार दामोदर दास जी ने कुछ सोचते हुए अपने सिर हिलाया। अगले ही पल रूही की माँ ने उनसे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसके जहन में ये सवाल इसलिए आया होगा क्योंकि वो युवराज मन के साथ अपने दादा दादी के नगर में गई थी? इस बार दामोदर दास जी ने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है, वो पहले भी वहां पर कई दफा जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में परेशान होने की जरूरत है। दामोदर दास जी अपनी बीवी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ था हम उस मुसीबत से बहुत पहले ही निकल चुके हैं। इस पर रूही की माँ ने कहा, मैं भी यही उम्मीद लगा रही हूँ कि जिंदगी में हमें दोबारा वैसे किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर आ करते हुए अगले ही पल कहा, मुझे नहीं लगता कि इस बार अगर फिर से मुसीबत आई तो आपके माता पिता हमारी मदद करेंगे। जब रूही अपनी माँ से मिलकर कमरे से बाहर निकली थी तो वो राजकुमारी मेलिसा से मिलने नहीं गई। हालांकि उसके जहन में पहला ख्याल मेलिसा से मिलने का ही आया था, लेकिन वो मेलिसा के पास नहीं बल्कि महल के सामने वाली बगीचे में टहलने के लिए पहुंच गई थी। इस सर्द मौसम में सूरज की तेज धूप बगीचे की हरी घास पर गिर रही थी और ओस की पौधों के घास पर होने की वजह से वो चमक रही थी। इस तेज धूप से रूही को अपने जिस्म पर गर्माहट महसूस हो रही थी जिससे उसे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि महल के अंदर काफी ठंड थी। अकेले बगीचे में टहलते टहलते कुछ देर के बाद वो एक मेज पर बैठ गई। उसके जहन में काफी कुछ चल रहा था जहां वो ये भी चाहती थी कि हिमेर के साथ इंसाफ। रूही के जहन में अपने बचपन को लेकर कई सारे सवाल पूछ रहे थे और इस वक्त उसे ऐसा भी लग रहा था कि शायद ही उसे अपने सवालों के जवाब किसी से मिल पाएंगे। इन दिनों वो अब कांच या फिर शीशे से बनी हुई चीजों से जरा सतर्क रहने लगी थी। रूही ने मन ही मन सोचा, युवराज अमन को भी नगर में गए हुए काफी वक्त बीत चुका है, वो कब तक वापस मिल आएंगे? रूही की माता पिता उसके बचपन से जुड़ी हुई चीजों को उसे छुपाते हुए नजर आ रहे थे और उसकी बहन विभा उसके साथ एक अलग ही तरह का बर्ताव कर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। कुछ दिनों पहले तक रूही अपने परिवार से मिलने के लिए बेकरार थी और उसके महल में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन अब जब उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने था, तब भी उसे अकेलेपन का एहसास हो रहा था। वो सोच रही थी कि जब उसका पूरा परिवार उसके पास होगा तो उसे तनहाई महसूस नहीं होगी, लेकिन अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी तनहाई पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे वक्त में उसे सिर्फ एक ही शख्स नजर आ रहा था जिसे वो खुलकर बात कर सकती थी और वो था यमन, युवराज यमन। रूही ने अपने आप से सवाल किया, क्या मुझे उन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जिन पर मैं भरोसा करती हूँ? रूही मन ही मन इतना कुछ सोच रही थी तभी उसके कानों में पीछे से किसी की आवाज गूंजी। रूही। इस आवाज को सुनते ही उसने पीछे पलट कर देखा जहाँ एक शख्स खड़ा था और शख्स के पीछे से सूरज की धूप आ रही थी जिस वजह से उसका चेहरा रूही को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। जब शख्स ने अपने कुछ कदमों को रूही की ओर बढ़ाया तब कहीं जाकर वो देख पाई कि आखिर उसका नाम पुकारने वाला वो शख्स कौन था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विवाह का होने वाला पति अरसलान ओकान था। तेज धूप के चलते उसका चेहरा रूही को शुरुआत में साफ नजर नहीं आ रहा था, थोड़ी ही देर बाद जब वो खुद अपने कदमों को आगे बढ़ाकर आया तो उसे अरसलान का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। रूही को देखकर उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? क्योंकि रूही जिस मेज पर बैठी हुई थी वो काफी लंबी थी जिस पर दो लोग आसानी से बैठ सकते थे, इसलिए रूही ने थोड़ा सा रख कर उसे बैठने के लिए जगह दी और फिर अरसलान भी वही धूप में रूही के पास बैठ गया। उन दोनों के बीच में मेज पर दूरी बनी हुई थी। अरसलान ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, आज का मौसम कितना सुंदर है ना, मैं विभा की तलाश में यहाँ पर आया था, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगी। इस पर रूही ने बिना देर किए उसे कहा, मेरे ख्याल से वो भी तुम्हारी तलाश में होगी। अगले ही पल रूही ने मन ही मन सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अरसलान विभा की तलाश में नहीं बल्कि मुझसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि अगर वो विभा की तलाश में यहाँ पर आया होता तो उसे अपने कदमों को यहाँ पर रोकने की जरूरत नहीं थी और उसे मेज पर तो कतई नहीं बैठना चाहिए था। कुछ एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छाई रही। अरसलान रूही से कुछ बातें करता, उससे पहले ही रूही ने उसे सपाट लहजे में कुछ ऐसा पूछा जिसे सुनकर अरसलान की होश उड़ी। आखिर रूही ने अरसलान से क्या पूछा था? रूही ने सपाट लहजे में अरसलान से पूछा, मेरी बहन विभा के बारे में तुम्हारा इरादा क्या है? रूही ने सवाल पूछने के सिवा ये चलते अरसलान एक पल के लिए सब पका गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और कहा, मैं विभा से शादी करने का इरादा रखता हूँ। इस पर रूही ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए पूछा, मेरे ख्याल से तुम्हारा तो कई शाही खानदान में आना जाना होगा और उनमें तुम्हें कई लड़कियां मिली होंगी जो कि शाही खानदान से होने के साथ साथ देखने में भी विभा से सुंदर ही होंगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि तुम्हारी विभा में दिलचस्पी है और तुम्हारी माँ भी इतनी आसानी से विभा को अपने परिवार में शामिल करने के लिए तैयार हो गई, आखिर उसमें ऐसी क्या बात है? रूही ने अंदाजा लगाया था कि अगर वो सिर्फ विभा की खूबसूरती की बात करेगी तो अरसलान उसके सवाल से बचकर निकल जाएगा, इसलिए उसने शाही खानदान और फिर उसकी माँ को भी अपने सवाल में शामिल किया। इस पर अरसलान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी माँ ने विभा को इसलिए आसानी से अपनाया क्योंकि मैं उनका बेटा हूं और उनके लिए बेटे की पसंद को नापसंद करना बहुत मुश्किल है। इतना कहने के बाद अरसलान ने रूही की उसके परिवार से नाराजगी दूर करने के इरादे से कहा, अतीत में मेरे परिवार के लोगों ने तुम्हारे साथ जिस तरह का बर्ताव किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है,
लेकिन उनसे वो गलती सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो नहीं जानते थे कि तुम रानी बनने वाली हो। और असलान की बात 100% सही थी। जब से युवराज यमन ने ऐलान किया था कि वो रूही से शादी करने वाला है और तारपुर साम्राज्य की अगली रानी रूही ही होगी, उसके बाद से लोगों का रवैया रूही को लेकर पूरी तरह से बदल चुका था। और असलान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ ने कहा है कि जब एक बार युवराज और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद विवाह मेरी शादी की तारीख में तय की जाएगी। इस पर रूही ने एक बार के लिए अरसलान की तरफ देखा। तभी अरसलान ने फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम शाही खानदान का हिस्सा बनने जा रही हो और साथ ही साथ साम्राज्य की रानी भी बन जाओगी। इस बारे में सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें सोचकर कैसा लग रहा है कि तुम्हारी बहन विवाह भी बहुत जल्द उसी शाही खानदान का हिस्सा बन जाएगी जो कि युवराज यमन के सबसे करीबियों में माना जाता है? इस पर रूही ने ज्यादा खुशी जाहिर नहीं की और सिर्फ इतना कहा, हाँ मुझे अच्छा लगा। और फिर उसने अरसलान से आगे पूछा, राजकुमारी सफिया और तुम्हारी माँ वापस अपनी हवेली जा रहे हैं? इस पर अरसलान ने जवाब दिया, हाँ लेकिन जल्दी वापस लौट आएंगे, आज रात के खाने में वो हमारे साथ जरूर शामिल होंगे। अरसलान ने रूही के नजदीक में बैठे हुए अपनी आंखों के किनारों से उसके प्यारे चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, रूही भी देखने में सुंदर तो है फिर भी विभास के मुकाबले में कहीं ज्यादा दिलकश नजर आती, लेकिन रूही में भी नजाकत की कमी नहीं है, बहुत भोली और मासूम दिखती है। शायद यही वजह होगी कि युवराज यमन ने उसे शादी करने का फैसला किया। पूरा उगान परिवार युवराज के खिलाफ साजिश रचते हुए सबसे पहले उसकी रूही से शादी तोड़ना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले सोचा था कि वो लोग मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि रूही के दामन पर बदनामी के दाग लगे, जिसके चलते युवराज उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस वक्त उनकी ये साजिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही थी। अरसलान की मां मंगा अजमेर से वापस अपनी हवेली पर जा रहे थे, लेकिन वो अपने पति की हवेली में अकेला होने की वजह से ऐसा नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपनी हवेली इसलिए जा रही थी ताकि वो वहां से उच्च सदन को युवराज यमन के खिलाफ एक खत भेज सके जिसमें वो ये बात लिखने वाली थी कि युवराज ने खतरनाक भेड़िए को अपनी काल कोठरी में कैद करके रखा हुआ है जो कि मासूम लोगों की जान ले रहा था। उच्च सदन के सदस्यों को युवराज यमन के महल में पहुंचने के लिए कम से कम कुछ दिनों का वक्त जरूर लगेगा। और मंगा युवराज के खिलाफ खत में जो बातें लिख रही थी वो बातें युवराज को उच्च सदन के सामने गुनहगार के तौर पर खड़े करने के लिए काफी थी। इनमें से कुछ खत उसने अरसलान से लिखवाए थे। इस दुनिया में आम इंसानों और पिशाचों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था, खूंखार भेड़ियों को आम इंसानों से नीचे के दर्जे में रखा जाता था। ये खूंखार भेड़िए जंगली होते थे और चांदनी रात में इनके शरीर में और भी कई तरह के बदलाव देखने को मिलते थे। ऐसा माना जाता था कि जिस जगह पर राजा बालिन का शासन था वो जमीन इन खूंखार भेड़ियों की जन्मभूमि थी और वहीं पर आम इंसान और ये खूंखार भेड़िए एक साथ रहते थे। इन खूंखार भेड़ियों का इस्तेमाल हमेशा शिकार और अपने दुश्मनों के खिलाफ किया जाता था। अरसलान ने रूही से आगे पूछा, तुम्हें और विभाग को यहाँ महल में अच्छे से नींद तो आ रही है ना? इस पर रूही ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ हम दोनों बहनों को यहाँ महल में अच्छे से नींद आ रही है। जब अचानक से अरसलान ने रूही से ये सवाल पूछा तो रूही ने मन ही मन सोचा, आखिर अरसलान के जहन में अचानक से ये सवाल क्यों आया, कोई सवाल क्यों पूछ रहा है? आखिर रूही ने उससे पूछ लिया, लेकिन तुम अचानक से सवाल क्यों पूछ रहे हो? इस पर अरसलान ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, दरअसल मैंने काल कोठरी से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी तो उसने यही सोचा था कि वो आवाजें तुम्हारे कानों तक भी पहुंची होंगी और फिर न जाने तुम दोनों बहनों को नींद आई भी होगी या नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हें इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। इतना कहते हुए अरसलान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और फिर उसने कहा, ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। जब वो दोनों बगीचे में मेज पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे तब विभा ने उन दोनों को आपस में बातें करते हुए देख लिया था और उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अरसलान उसकी छोटी बहन के साथ वक्त क्यों बिता रहा है। उन दोनों को इस तरह से देखकर विभा का खून खौलने लगा। तभी रूही ने देखा कि अरसलान अपनी जगह से उठा और रूही को एक मुस्कान पेश की। ये सब कुछ विभा भी देख रही थी और ये देखकर विभा गुस्से से तिलमिला रही थी और उनसे बात करने के लिए अरसलान के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। जब एक बार अरसलान वहां से चला गया तब विभा ने तेजी से तिलमिलाते हुए अपने कदमों को रूही की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं मेज पर बैठी हुई रूही ने विभा को अपनी ओर आते हुए देख लिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि विभा किस इरादे से उसे मिलने के लिए आ रही थी। जब एक बार विभा रूही के पास पहुंच गए तब उसके ठीक सामने खड़ी होकर विभा ने झल्लाहट के साथ उससे पूछा, अगर तुम चाहते क्या हो? रोज के मुकाबले आज विभा बड़ी बेरुखी के साथ रूही से बात कर रही थी। इस पर रूही के मुंह से हैरानी के साथ सिर्फ इतना निकला, क्या? उसने देखा कि विभा परेशान सी लग रही थी, लेकिन उसे विभा का उससे इस तरह का सवाल करना पसंद नहीं आया। विभा अपनी हरी आंखों से अपनी छोटी बहन को घूर रही थी। अगले पल विभा ने उसे झल्लाहट को बरकरार रखते हुए उससे कहा, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो रूही, मैंने तुम्हें अरसलान के साथ यहाँ पर बैठे हुए देखा है। उसकी इस बात पर रूही दंग रह गई और उसने हैरानी के साथ जवाब दिया, हाँ वो यहाँ पर बैठा हुआ था, दरअसल मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया था, अच्छा यहाँ पर नजर नहीं आई तो वो यहाँ पर बैठ गया। रूही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विभा किस बात को लेकर इतनी परेशान हो रही थी। विभा हमेशा से ही रूही को लेकर इस बात के लिए परेशान रहा करती थी, ऐसा विभा के साथ हमेशा से ही रहा था, कभी भी नहीं चाहती थी कि लोगों का ध्यान उससे ज्यादा रूही पर रहे, इसलिए अतीत में विभा हमेशा रूही पर नजर बनाए रखती थी। विभा ने उसे अपनी उसी नाराजगी के साथ कहा, तुम हमेशा से ही मेरे साथ ऐसा करती आई रूही, अगर अरसलान यहाँ मुझे ढूंढते हुए आया था तो फिर वो यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों बैठ गया, उसे मुझे यहाँ ढूंढना चाहिए था ना, देखा कि वो तुम्हें किस तरह से देख रहा था। उसकी इस बात को सुनकर रूही को हैरानी हुई और उसने कहा, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हो? और जो तुम कह रहे हो उसका क्या मतलब है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो तुम्हें ढूंढते यहाँ तक आया था, और जब तुम उसे यहाँ पर नहीं दिखाई दी तो वो मेरे पास में बैठकर मुझसे बातें करने लगा, हम तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन विभा उसके बारे में इस तरह का कुछ सोच सकती है। लोग ये बेरुखी जाहिर करते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि वो मुझे किसी और नजरिए से देख रहा है तो तुम्हें उससे ये सवाल पूछने की जरूरत है कि वो मुझे इस तरह से देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था, ताकि तुम्हें ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए। रूही के इस देवर को देखकर विभा ने अपनी कमर पर हाथ रखा और फिर उसी झल्लाहट के साथ रूही को घूरते हुए कहा, तो तुम इस बात को मानती हो कि कुछ तो चल रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। रूही को अब उस पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और फिर से एक आह करते हुए जवाब दिया, नहीं तुम्हें नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो विभा, अगर मुझे देख रहा है तो तुम्हें इस बारे में उससे बात करने की जरूरत है, मुझसे नहीं, तो उसकी होने वाली बीवी हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। इस पर विभा ने गुस्से में अपनी दादी से और फिर तिलमिलाते हुए कहा, हाँ ये प्यारी बहन, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वो बहन हो, मेरी वो प्यारी बहन जो मुझसे मेरी ख्वाहिश चुरा लेती, तुमने मुझसे युवराज यमन को चुरा लिया, और क्या तुम्हारे लिए युवराज काफी नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे उस इंसान को चुराने की कोशिश कर रही हो जो मुझे चाहता है? विभा की सोच को साफ करते हुए रूही ने उसे एक समझाइश देकर कहा, मैंने तुमसे किसी को नहीं चुराया विभा, तुमसे ऐसा सोच रही हो, वो सब कुछ वैसे ख्वाब था जिसमें तुम अपने आप को मलिका समझ रही थी, और अब जो तुम्हारे सामने है वो एक हकीकत है। बीती रात जब दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई थी और उन्होंने अपने बचपन से जुड़ी कुछ यादें एक दूसरे के साथ बांटी थी तो रूही को ऐसा लगने लगा था कि अब विभा के दिल में उसे लेकर कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो गलत थी। विभा को रूही की बात जरा भी पसंद नहीं है और उसे झल्लाते हुए कहा, जब महल में प्रथा का आयोजन हुआ था तुमने महल में नहीं आने की इच्छा जाहिर की थी,
मैं तो प्रथम में शामिल होने के लिए महल में आई है क्यों? उसकी बातें सुनकर रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी बीमारी आगे कहा, कहीं ना कहीं तुम उस दिन प्रथम में शामिल होना चाहती थी। तुम सबके सामने सिर्फ इस बात का दिखावा कर रही थी कि तुम प्रथम में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हकीकत यह है कि तुम जाना चाहती थी। रूही अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान थी। बीमारी अपनी बात को आगे कहना जारी रखा, मुझे जिंदगी में जो भी चीज पसंद आई तुम्हारे पास चली गई, यहां तक कि बचपन की मेरी दोस्त दीना को भी तुमने मुझसे छीन लिया। इतना कहते हुए बीमारी थकान वाली आह भरी और गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम उस दिन प्रथम में शामिल होने के लिए महल में नहीं आती तो शायद आज तुम्हारी जगह मैं होती। विभा के मुंह से इतनी बातें सुनने के बाद रूही से भी चुप रहा नहीं गया और फिर उसने विभा की गलतफहमी को दूर करने के इरादे से कहा, ये सब नसीब का खेल है विभा, अगर कुछ चीजें तुम्हारे नसीब में नहीं आई तो तुम्हें इसके लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए। इसके बाद अपनी बहन की बातों से तंग आकर रूही ने विभा को कुछ ऐसा कह दिया जिसके बारे में उसने खुद भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी बहन को कुछ ऐसा भी कहना पड़ेगा। आखिर रूही ने विभा को क्या कहा था?